दोस्तों, आज हम जो सीलिंग फैन आता है जो घर में हम यूज़ करते हैं उसका जो कनेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे अपलोड वीडियो करता रहता हूँ, तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो सीलिंग फैन होता है जो घर में यूज करते हैं हम, छत पंखा जिसे बोलते हैं, उसका कनेक्शन बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पिछले वीडियो में कि जो उसका कनेक्शन होता है वो कैसे करते हैं और कौन से वायर, वो भी कलर वगैरह जो भी कुछ भी बताया था सब पूरा का पूरा मैंने वहाँ पर बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि अंदर जो है, अंदर जो कोयले होती है और जो कैपेसिटर तो वैसे बाहर लगता है, पावर भी बाहर लगता है, लेकिन जो अंदर की कोयले होती है उनका जो वायर होता है वो कैसे कनेक्शन करें, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। कहीं कन्फ्यूज़ हो जाता है किन्हीं को कि जो ये अंदर वाली जो कोयले होती है इनका कनेक्शन कैसे करें। जैसे कि बाहर में अगर कनेक्शन करके अंदर में, बाहर में दिया गया है तो बाहर में कर लेते हैं, लेकिन अंदर में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो अंदर है वो कनेक्शन कैसे करें, यानी कि अंदर की जो वायर है वो कनेक्शन कैसे करें। जैसे दोस्तों जो सीलिंग फैन होता है उसमें ये वायरिंग अलग होती है अंदर में, जो कि फैन चलने के बाद में ये स्टॉप हो जाती है, यानी कि कैपेसिटर की मदद से, सहायता से, जो भी कुछ भी बोलो आप, ये जो अंदर वाली जो कॉइल है ये छूट जाती है, ठीक है। बाद में ये जो बाहर वाली आप कॉइल देख रही हो, ये कॉइल देख रहे हो आप, ये कॉइल जो है रेगुलर चलती है और इसी से ही फैन चलता है। ये जो कॉइल है ओनली इसको रनिंग कराने के लिए काम आती है, यानी कि जब फैन रनिंग हो जाता है तो उसके बाद में ये जो कॉइल है बंद हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो एक कनेक्शन होता है अंदर का वो कैसे होता है। और दोस्तों एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि अगर कनेक्शन किया और उल्टा चल रहा है तो भी आप सीधा कर सकते हो, वो कैसे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो है पावर का है, दो पावर का है, इसमें हम जोड़ेंगे, ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा फैन है, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, आपको ये जो एक वायर है ध्यान से देखिएगा, ये जो एक वायर है या एक ये वायर कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये अंदर वाला कॉइल है उसका ये दो वायर है, एक दो, और बाहर वाले कॉइल का जो है ये एक है ये और एक ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अंदर वाला जो कॉइल है उसका एक वायर ये उस साइड का है और इस साइड का ये, ठीक है, इस साइड का ये, ठीक है, ये एक एक जगह कर देना है, ठीक है। एक कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, अब ये जो अंदर वाली कॉइल का है आपको यहाँ पर सीधा इसमें दे देना है, ठीक है, इसमें दे दिया, और जो बाहर वाली जो कॉइल है, बाहर वाली कॉइल का एक ये वायर बचा, इसको इसमें दे देना है कैपेसिटर में, ठीक है, इसमें दे दिया। अब दोस्तों आपको लगाना है पावर में कि पावर में कौन सा लगाएं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा कि आपने अंदर वाली कॉइल का और बाहर वाली कॉइल का जो एक वायर किया है उसको आप एक पावर में यहाँ पर किसी में भी आप जोड़ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो वायर लगने वाला है दोस्तों, ये जो अंदर वाली कॉइल है उसका वायर यहाँ पर कैपेसिटर में, बड़ी वाली कॉइल का भी कैपेसिटर में है, लेकिन आपको यहाँ पर छोटी वाली का नहीं लगाना है, यहाँ पर जो बाहर वाली कॉइल है उसका जो ये वायर कैपेसिटर में आया हुआ है ये आपको पावर में डाल देना है। ये आपका हो गया कनेक्शन रेडी, जो सीलिंग फैन होता है उसका कनेक्शन ये रेडी हो गया दोस्तों। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, इसमें कारण होता है कि जब फैन उल्टा चलने लग जाता है, यानी कि जैसा मान लो, एक सपोज करो कि अभी आपने ये कनेक्शन किया और फैन जो है उल्टा चल रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो बड़ा वाला वायर है कैपेसिटर में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो ये बड़ी वाली कॉइल का जो ये वायर है जो कैपेसिटर में आया हुआ है, और एक जो बड़ा वाला वायर है वो यहाँ पर इसमें छोटी वाली में मिला हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको इसकी जगह डाल देना है, यानी कि इस वायर को इस वायर की जगह डाल देना है और इस वायर को इसकी इस वायर की जगह डाल देना है, तो आपका फैन सीधा हो जाएगा और सीधा चलने लगेगा। और अगर सीधा चल रहा है ऑलरेडी तो अच्छी बात है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर पूछें कुछ भी अगर पूछना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।